नमस्कार, आपका अक्षता क्लासेस में स्वागत है। आज हम ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि की अभ्यास संख्या 49 की डिक्टेशन करेंगे, जिसकी स्पीड 60 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन अगले 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। युवा अवस्था मानव जीवन का बसंत है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। इस अवस्था में ना उसे कारागार का डर रहता है, ना वह हित कर कार्यों से भागता है, वह हानिकारक कामों से बचता और गुणकारी कामों में लगता है। वह अपने को धर्मशील तथा बलशाली बनाना चाहता है और संतापहारी कार्यों से दूर रहकर मनोहर कार्यों को करना चाहता है। यह तेल वाले आम वाले कोचवान इक्केवान चरवाहे आदि अधिकतर बुद्धिहीन होते हैं। इन लोगों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता। तेल वालों के तेल में अक्सर इतनी मिलावट रहती है कि चिकनाहट तक नहीं रह जाती। दूध वाले तो कभी कभी दुगना या तिगुना तक पानी मिलाते हैं, यहाँ तक कि दूध का मीठापन तक निकल जाता है। इससे उनका अपमान होता है और यही उनके दासत्व की निशानी है। ऐसे कामों के लिए कोई भी अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। अगर ये ऐसा ना करते तो शायद अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते तथा धन पूर्ण और कटुता रहित बना सकते। अनुदिन मनुष्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि पराजय तथा अपकीर्ति ना हो, चरित्र निर्मल तथा निष्पाप बना रहे, दुर्जन से बचा रहे तथा सज्जन का साथ हो। इससे मनुष्य आजीवन सुखी रह सकता है। उनको दूसरों के साथ उपकार और तथा
इंसाफ करना चाहिए। तुम्हारा हर वक्त बाहर रहना हमें नापसंद है, यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी हो गई है। बदमाश तथा नालायकों का समागम हो गया है, यह चिरकाल तुम्हारे जीवन यात्रा को सफल होने से रोकेगा। इसके कारण तुम अभी से दुष्कर्म में फंस गए और तुम्हारी आदत कुचाल की पड़ गई है। अब ना तुम पेट भर खाते हो, ना तुमको सहोदरों का ख्याल है। हर रोज बस समझोलियों के साथ फिरा करते हो। यदि तुम यथाशक्ति अपने को इन कमबख्तों से दूर रखने का प्रयत्न ना करोगे तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। तुम कमजोर हो जाओगी और विकल रहोगे। वह बकायदा कुलागार की तरह फिरा करोगे। डिक्टेशन कंप्लीट हो गई।